वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक ऐसा सीरम जिससे आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं और अपने बालों को तेजी से लंबा काला घना बना सकते हैं। आज के इस नुस्खे को फ्रेंड्स अगर आप अपने बालों पर यूज कर लेंगे तो आपके बाल तेजी से ऐसे घने होंगे जैसे कि आपके बाल हमेशा से ही घने हो। और दूसरा, ये आपके बालों को सिल्की साइन स्मूथ भी करेगा। दूसरा, अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है तो वो उन्हें एकदम से स्ट्रेट करके उनमें शाइन भर देगा और आपके बाल एकदम से चमकदार और घने हो जाएंगे। दूसरा, इस नुस्खे का अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हैं तो आपके बाल कभी भी झड़ेंगे और टूटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते आज के इस नुस्खे को। नुस्खे को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस नुस्खे को बनाने के लिए आज यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा कुकुम्बर का। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कुकुम्बर लिया है, आपको भी कुकुम्बर लेना होगा और इसे अपने बालों में लगाना होगा। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको इसका यूज अपने बालों में करना होगा। इसके लिए आपको फ्रेंड्स कुकुम्बर को काट लेना होगा और उसके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना होगा। यहाँ पे आपको एक कुकुम्बर को काटकर उसके पीसेस करके मिक्सी में डाल लेने होंगे। लेकिन इसका पेस्ट बनाने से पहले आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी होगी जिससे आपके बालों की जड़ों को बहुत ही आराम मिलेगा, यानी कि आपके बालों की जो जड़ डैमेज हो चुकी है वो रिपेयर होंगी और आपके बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का भी कार्य कर देगी। इसके लिए आपको इसमें ऐड करना होगा इतनी मात्रा में टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे टर्मरिक हमारे फेस के लिए अच्छी होती है, उसी तरह से फ्रेंड्स ये हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फ्रेंड्स, आप इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाइए और इसके बाद मैंने फ्रेंड्स इन दोनों को पीसकर इनका पेस्ट बना लिया है। अब आपको इसमें ऐड करना होगा 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप फ्रेंड्स इस सीरम में 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आप छलनी की सहायता से फ्रेंड्स आप इसके पेस्ट को अलग कर दीजिए और इसके रस को अलग कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बालों का सीरम तैयार हो चुका है। आपको भी इस तरह से ही सीरम को बनाकर तैयार करना होगा। आप फ्रेंड्स उसमें से पानी को अलग करने के लिए तो छलनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े में डालकर भी आप इसके रस को अलग करके निकाल सकते हैं। हमारा सीरम बनकर तैयार है। आपको इसका यूज़ कैसे करना है, आपको फ्रेंड्स बालों को वॉश करने से पहले आपको इसे अपने बालों में लगाना होगा। वॉश करने के आधे घंटे पहले आप इसे अपने बालों में लगा लीजिए और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कीजिएगा। इस नुस्खे का यूज वीक में एक बार लगातार 1 मंथ तक कीजिए। ऐसा करने से देखिए आपके बालों की ग्रोथ कैसे तेजी से बढ़ेगी, आपके बालों का झड़ना टूटना सब बंद हो जाएगा और तेजी से बालों की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी जो कि कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। आप इस सीरम को स्टोर करके फ्रिज में 15 दिनों के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि 2 बार का सीरम बनाइए और उसका यूज 2 वीक तक कीजिएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपका टाइम भी बच जाएगा और आप बनाने की मेहनत भी बच जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इसका यूज अपने बालों में कीजिए, बालों को तेजी से लंबा काला घना बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।